हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफ़ा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। और यहाँ पर हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे वो करेंगे एक नए मेथड से, और जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, हमें जो है तीन मेथड पढ़ना है। सबसे पहला जो मेथड आ रहा है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और दूसरा हमारा है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो एग्जांपल हम लोग जो है, एग्जांपल क्या देखेंगे, हम लोग जो है सीधा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, और वहाँ पर हम लोग फर्स्ट पार्ट से ही समझ जाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो चलिए, हमने जो है यहाँ पर बुक ले रखी है, एनसीईआरटी की बुक है हमारी मैथ की। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन है हमारे पास वो है, पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर करना क्या होता है कि हम इन दो इक्वेशन हमारे पास जो दी हुई हैं, इसमें से किसी एक इक्वेशन को हम लोग पिक करेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने ले ली, तो ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। अब हम क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखेंगे। तो अगर हम y को यहीं रहने दें लेफ्ट हैंड पे, और x को ले जाएं राइट हैंड पे, तो हम y इक्वल टू लिख पाएंगे 14 माइनस एक्स, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमने y को लिख दिया x की टर्म में, ये हमें सबसे पहला स्टेप ये करना है, ठीक है। तो ये हम कह देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है भाई। अब क्या करना है हमें, अब ये जो y की वैल्यू आ रही है x की टर्म में, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अच्छा, जो हमने इक्वेशन पहले ली थी, जो थर्ड इक्वेशन हमने जिससे बनाई, उस इक्वेशन में नहीं रखना, दूसरी जो इक्वेशन बची उसमें रखना है। अगर हम सेकंड इक्वेशन लेते, पहले पिक करते, तो हम फिर जो वैल्यू आती है वो फर्स्ट में रखते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम ये जो वैल्यू आई वाई की, इसको हम जो है रख देंगे कहाँ पर, वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो एक्स माइनस, अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में वाई आ रहा है, तो वाई की जगह पे हम ये लिख देंगे 14 माइनस एक्स, यही तो आ रहा है वाई की जगह पे, ठीक है, 14 माइनस एक्स लिख दिया। ये माइनस यहाँ पे लगा ही हुआ था पहले से, इक्वल टू 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा ब्रेकेट के, तो ये जगह माइनस 14, ये प्लस एक्स इक्वल टू 4। अब ये जो माइनस 14 है, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, और एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये हो गया 4 प्लस 14 इधर आके, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 14, एंड 4 कितना हो गया 18। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा अपॉन में 2, 2 9 18। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बनती हुई लग रही है, x इक्वल टू 9, ठीक है। तो कितना सिंपल है, देखिए, अब ये जो x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू को हम थर्ड में रख देंगे। आप इसे फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसे थर्ड में रख दें तो थोड़ा सा आसान रहेगा। अब इसको हम थर्ड में रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में हम रख देंगे इसको। थर्ड क्या है हमारी, थर्ड हमारी ये है हमारी थर्ड, यहाँ पे रखिए वाई
इक्वल टू 14 माइनस एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 9, तो ये हो गया 9, तो वाई इक्वल टू 14 माइनस 9 इक्वल टू 5, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 9 और वाई इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। वेरी सिंपल, बहुत आसान, सही है बात भाई। चेक कर लो आंसर एनसीईआरटी के बुक में, आंसर चेक कर लो, जल्दी से नोट कर लो भाई। नोट कर लिया भाई सबने? ठीक है, इसको रफ करें भाई, तो रफ कर देते हैं भाई से। तो अब चलेंगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, और जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें भी सिंपली समझ में आएगा। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट उठाते हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई? तो सेकंड पार्ट है भाई, ये भाई भाई क्या है भाई, कुछ नहीं है भाई, इक्वल टू 3, तो एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसे, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करना है समझ गए होगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बात सिंपल कौन सी लग रही है भाई? सिंपल ले लो जो लग रही है भाई, मुझे ये लग रही है सिंपल, आपको ये सिंपल लगे ये ले लेना, ठीक है। तो मुझे ये सिंपल लग रही है, एस माइनस टी इक्वल टू 3, ठीक है। क्या करें, टी को उधर ले जाएं, तो टी को उधर ले, किसी को भी ले जा सकते हैं, कोई से भी वेरिएबल को, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में जो उसमें है उसकी फॉर्म में लिखना होता है, उसकी टर्म्स में लिखना होता है। तो इस बार टी को ले जा रहे हैं, 3, टी उधर गया प्लस टी, तो एफ इक्वल टू हो गया 3 प्लस टी। ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, और ये जो वैल्यू आ रही है किसकी, एस की वैल्यू, इसको रखना है किसमें, सेकंड में, तो लिख दो भैया, है ना। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एस, ये वैल्यू में यू बड़ा दिक्कत करता है, वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, वैल्यू को कर दो भैया, एस अपॉन 3, तो एस की जगह एस ना लिख के ये लिख दो, 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। हाँ भाई कर दिए, ठीक। एलसीएम ले लें यहाँ पे, एलसीएम ले लो, 3 टू जा 6 हो गया सिंपल, 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 इधर 6, टी से करेगा 2t, 3 इधर करेगा प्लस 3t इक्वल टू 6। ये 6 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, इसको क्या करो इधर ले आओ, है ना। इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाते हैं, तो इधर रह जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t, 2t 2t नहीं है ये, 2t है। तो 6 इधर आया, 6 इधर आके क्या करा, 6 6 36, कोई प्रॉब्लम है ना। अब क्या करें, 6 को उधर ले जाते हैं, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30। अब 5 क्या कर रहा है, ठीक है सर, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 को उधर ले जाएंगे क्या करेगा, डिवाइड, इतना तो आता होगा भाई, तो 5 6 30, है ना, 5 6 30, तो टी इक्वल टू 6, टी की वैल्यू आ गई 6। अब ये टी की वैल्यू हमें क्या करनी है, थर्ड में रखो, सेकंड में रखो, फर्स्ट में रखो, मर्जी आपकी, है ना। तो हम लोग रख देते हैं इसको थर्ड में। अब ये जैसे हमने लिखा था पहले वैसे ही आप यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम इसको लेते हैं थर्ड को, थर्ड है हमारे पास एस इक्वल टू 3 प्लस टी, टी की जगह टी ना लिख कर हम लिख देंगे 6, क्योंकि टी की वैल्यू है 6, तो एस इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9, तो एस इक्वल टू आ गया 9 और टी इक्वल टू आ गया 6। वेरी सिंपल,
बहुत आसानी के साथ हो चुका है ये सवाल। ठीक है चलो जल्दी से अब इसको, ठीक है जल्दी इसे जो है आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग करने जा रहे इसका थर्ड पार्ट। रफ करें रफ करें, चलो इसको कर दे रहे रफ। देखिए यहीं से वो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है सवाल से ही समझ में आ रहा है बहुत। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी कि अलग से इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते फिर करते। एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्या कहा गया है इसमें? 3x - y इक्वल टू 3, 9x - 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू। ये है चेक करें, 3x - y इक्वल टू 3, फिर 9x - 3y इक्वल टू 9 चेक हो चुका है। क्या करना है? सिंपल लग जो लग रही है उसे उठाओ यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ले लो यहाँ से, 3x - y इक्वल टू 3। वाई को उधर ले जाते हैं इस बार, किसी को भी ले जाओ, ले जाना है बस, इतना अच्छा मौका मिल रहा, ले जाओ उसे उधर, 3 को भी ले जाओ इधर। तो x = 3 + y अपॉन 3 हो जाएगा इधर आके, तो x = ये आ गया। इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करो इसे? सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो इसे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है? 9x है। अरे x की जगह तो रखना ही है भाई, x की जगह पे रख दो इसको। अब एक बार ये इक्वेशन लिखेंगे फिर रखेंगे ना, समझ रहे हो ना, इस x की जगह पे ये रख देंगे। तो 3 + y अपॉन में 3, ये ब्रैकेट छोटा इधर का हो गया बड़ा, चलो अब दोनों हो गए बराबर। फिर क्या है? फिर है -3y इक्वल टू क्या है? 9 है, 3 से 3 1 3, 3 3 9, तो क्या बन गया भाई? फिर भाई कह दिया सर, ये क्या है? फिर भाई कह दिया आपने, फिर भाई है ना। अरे अब क्यों भाई, नीचे 3 1 3 तो नीचे 1 है, नीचे 1 है भाई, नीचे 1 है, तो 1 दिखाओ या ना दिखाओ नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया 3 बार 3 + y - 3y। इतने सिंपल सवाल हैं कि इसे करते चले जाओ बस। 3 3 9 + 9y - 3y = 9 है ना। अरे 3 3 9, और ये 3y रहेगा भाई, 3 * y = 3y और 3 3 9, ये अरे ये क्या हो रहा है, ये देखो ये फंस गए। 3y में से 3y का 0 बचाना है यहाँ पे, ये 0 बचा, तो क्या आ रहा है यहाँ पर? 9 * 9, तो y की तो वैल्यू ही नहीं आई भाई। थर्ड में क्या रखेंगे फिर? कुछ नहीं रखेंगे थर्ड में, ठीक है समझो पहले इधर। अगर ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि y की तो वैल्यू ही नहीं आई हमारे पास, तो फिर 9 = 9 आ गया बोथ साइड, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशन है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। याद रखिएगा इस बात को, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर क्लियर, चलो फिर क्लियर है तो उतारो इसे। हैं उतार लिया, चलो रफ करें। फोर्थ पार्ट देखो फिर, उतार लिया तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं फिर। चलो ये जो वीडियो बन रही है मैं आपको बता दूँ, इसमें एडिट कुछ नहीं होगा, ठीक है।
इसको हम सीधे ऐसे ही जैसे एज इट इज़ वैसे ही इसको पोस्ट कर देंगे यूट्यूब पर। तो इसमें एडिशन नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है भैया एडिट वेडिट करने का, सीधे इसको करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अच्छा, हमने जो एक कल शॉर्ट बनाया था, ठीक है, शॉर्ट बनाया था एलसीएम में, बहुत तेज़ हो गया था वो शॉर्ट, है ना, बहुत तेज़ बना दिया था, क्योंकि एक मिनट में एलसीएम सिखा देगा कोई, कोशिश करेगा सिर्फ सिखाने की, लेकिन अब बच्चे के ऊपर है वो उसको कितना जो है समझ सकता है। एक मिनट का वीडियो है एलसीएम, थोड़ा सा उसकी ट्रिक बताइए तो सिंपल एलसीएम जो है वहाँ से आप निकाल सकते हो। एक एलसीएम पे वीडियो करेंगे अलग से, ठीक है, जिससे कि हमारे 8th क्लास के 9th क्लास के कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें एलसीएम निकालना भी नहीं आता है। तो चलो यहाँ पर हम लोग इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो बातें हम लोग करेंगे किसी और वीडियो में। तो क्या करना है यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो भैया 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, है ना। अब क्या करें, x को ले जाएं इस बार, आप इसलिए ले जाना है अलग अलग तरह से कि आप लोग समझ जाओ कि कुछ कुछ भी कर सकते हैं, इसको भी ले जा सकते हैं, इसको भी ले जा सकते हैं। तो हम लोग x को ले जा रहे हैं, y को यहीं छोड़ दिया, इसको लेगा इधर माइनस 0.2x। तो y, इसको 0.3 को ले जाओ इधर, तो y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x अपॉन में ये आ जाएगा 0.3, है ना, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू दिस, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब क्या करें, अब सब्सटीट्यूट कर दें, तो सब्सटीट्यूट डॉट 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 डॉट, ठीक है, क्या लिखना है वही लिखना है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर 0.4x क्या प्लस 0.5, अब लिखेंगे वैल्यू y की वैल्यू ये है 1.3 माइनस 0.2x अपॉन में 0.3। ये देखिए डेसिमल से ये डेसिमल उड़ गया, ये बचा अब 3 3 1 3, और कट रहा है अभी जो, कट नहीं रहा, 15 नहीं है भाई जो काट दिया, चलो इसे हटाओ फिर, 15 नहीं है भाई, हम समझ रहे थे 15 है। तो यहाँ पर 0.5 है और ये 0.3 है, डेसिमल से डेसिमल उड़ा देते हैं सिर्फ, तो ऊपर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा नीचे 3 इक्वल टू इधर क्या है 2.3। अब क्या करें, अब 0.4x प्लस ये 5 बंदा जाएगा, 13 5 65, तो ये हो जाएगा 6.5 माइनस ये हो जाएगा 2 5 10, तो ये हो जाएगा 1.0x, ठीक है, नीचे अपॉन में क्या चल रहा है इसके 3 इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ नीचे अपॉन में 1 मान लो फिर, ठीक है, ये क्या एलसीएम ले लो 1 और 3 का, डिनोमिनेटर सेम करो दोनों के, तो 3 1 3, चलो 3 इधर मल्टी 3 4 12, तो 1.2x हो जाएगा ये, 3 4 12 1.2x प्लस 6.5 है यहाँ पर, फिर है माइनस 1.0x, तो उधर तो 1 है ना, इधर तो 1 है, तो 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 2.3। ये 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, अब इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से क्यों नहीं लाए सर, यहाँ से क्यों नहीं लाए, यहाँ से इसलिए नहीं लाए, जब सबका पूरे का डिनोमिनेटर होता है सेम तब ले जाते हैं हम नेक्स्ट साइड पे, ऐसे नहीं ले जा सकते कि एक उठाए यहाँ से 3 ले गए, है ना। अब देखो ये दोनों चीज़ों का डिनोमिनेटर 3 हो गया है ना, चलो इसको इधर ले गए, ये क्या हुआ 1.2x माइनस 1, तो ये बचेगा 0.2x, भाई 1.2 में से ये 1 गया तो 0.2 बचेगा, अच्छा प्लस 6.5,
थ्री को उधर लगाए, थ्री थ्री द नाइन, थ्री टू ज सिक्स, तो 6.9। इस 6.5 को उधर लेगा तो 0.2x इक्वल टू 6.9 माइनस 6.5, तो ये हो जाएगा 0.2x इक्वल टू 9 में से 5 गया 4 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, तो 0.2 को ले जाओ आप, तो x इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया ऊपर नीचे का, 2 1 2 2 2 4, तो x की वैल्यू आ गई 2 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये x की जो वैल्यू आई, या ये क्या करो, यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो भाई, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2, यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में लिखेंगे 0.3, है ना। तो y इक्वल टू मल्टीप्लाई कराओ इसे यहाँ पर 1.3 माइनस 2 2 4, तो 0.4 अपॉन में 0.3। अब ये 1.3 से 0.4 घटा ले भाई, इसको क्या प्रॉब्लम आएगी घटाने में, कई बच्चे तो इसे ही नहीं कर पाते हैं। इधर हमने कैरी कर लिया, हो गया 13, 13 में से 4 गया 9 बचा, पॉइंट इधर बचा 0, इसको कर दो यहाँ से रफ, इक्वल टू 0.9 अपॉन में 0.3, डेसिमल से डेसिमल, 3 1 3, 3 3 9, वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। चेक कर लो इसे, चेक कर लो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका, ठीक है। एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, इसके 5 रफ करें, चलो रफ कर दे रहे हैं भाई इसको, कर दे रहे हैं, क्या कर दिया आप, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, छापो मत, सीखो थोड़ा, समझे। वो देखा उतारा छाप लिया, छापो मत। चलो भाई नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, फिर है नेक्स्ट √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। सही है, देखो सही उतारा है, देख लो भाई उतारा तो सही है। सर जी आपने सवाल, और हम बता नहीं पाएंगे अगर गलत उतारा है, क्योंकि लाइफ तो चल नहीं रहा है ये, तो क्या करें आप, क्या क्या करें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो भाई, हाँ भाई क्या करें, लिखो पहले 2x, फिर देखा जाएगा क्या होता है, 3y इक्वल टू 0। क्या करो, y वाले को यहीं रखो, x वाले को उधर, तो √3y इक्वल टू ये उधर जाके तो माइ 0 है, तो 0 माइनस √2x, अरे इसे हटा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। 0 माइनस ये होगा तो यही रहेगा, तो यहाँ से y इक्वल टू √3 इधर, तो माइनस √2x अपॉन में √3, ये आ गया, क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और क्या आ गया, है ना। अब ये y की जो वैल्यू है, क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन सेकंड में, तो सेकंड में रखो इसे, तो √3x माइनस √8 और y की वैल्यू माइनस √2x अपॉन में √3 इक्वल टू 0। एक बार बताएं क्या, कि √8 को बताओ क्या लिख सकते हैं, हैं? नहीं बता सकते √8 को, चलो छोड़ो मत बताओ, यहाँ पे √8 अंदर मल्टीप्लाई करेगा भाई इस y की वैल्यू से, तो कराओ फिर, तो कराते हैं फिर, तो √3x, फिर ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस,
तो 8 2 16, रूट रूट के नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 8 2 16 एक्स अपॉन में नीचे क्या है यहाँ पे, √3 है इक्वल टू 0। ये एलसीएम ले लें इसका, ले लो भाई। √3 बंदा √3 इधर मल्टीप्लाई करा, √3 इधर मल्टीप्लाई करा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 3 इधर 9, √9 तो 3 आ जाएगा बाहर। और सेम नंबर के दो रूट के नंबर हों, सेम हों, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। याद रखो जैसे कि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, फिर √4 इंटू √4 क्या हो जाएगा, 4। चलो यहाँ ये कर लिया हमने, ये इधर √16 का मतलब क्या हुआ, 4x इक्वल टू 0। √3 को इधर ले जाओ, √3 को इधर ले जाओ, ठीक है, ले जाएं √3 को इधर। तो √3 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 0 से। 0 की खासियत क्या है कि आ जाओ भैया तुम्हें अपने जैसा बना दें, बना देगा उसे भी 0, ठीक है। तो 3x 4x कितना हो गया, 7x इक्वल टू 0। 7 को उधर ले जाओ, डिवाइड करेगा, डिवाइड करने पे भी 0, बना देता है इसको 0। 7 कर रहा है ना इसे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड में, कर दो भैया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में करना, थर्ड में। तो y इक्वल टू क्या है यहाँ पे, माइनस √2, फिर एक्स इंटू 0, मतलब समझो एक्स इंटू 0 नहीं, माइनस √2, एक्स की जगह पे 0 रख दिया एक्स की वैल्यू, फिर नीचे अपॉन में क्या है, √3। तो ये भी क्या हो जाएगा, अब ये 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा 0 कर देगा, फिर नीचे है √3, √3 से डिवाइड करेगा 0 कर देगा, तो वाई की वैल्यू भी आ जाएगी 0। एक्स की वैल्यू भी आ गई 0, वाई की वैल्यू भी आ गई 0। तो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं इस वीडियो में कि ये बिना एडिट करे हुए अगर हम इसको जो है करें तो कैसा रहेगा, रिजल्ट सही आएगा या नहीं। चलो इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रफ कर दें। ये जो है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करना था एक, और इसको जो है बिना एडिट करे हमें जो है इसको यूट्यूब पे डालना है, और आप लोगों का रिव्यू लेना है कि ये वीडियो सही बन रही है, पिक्चर क्वालिटी सही आ रही है, वॉइस वॉइस क्वालिटी जो है इसकी, साउंड जो आ रहा है वो सही आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना। तो फिर जो है एडिट करने का चक्कर ख़त्म करेंगे, ये एडिट में टाइम बहुत लगता है। चलो इसका लास्ट पार्ट करें, तो लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। अब ये सिक्स्थ पार्ट, ये इंक इसकी ख़त्म हो गई थोड़ी सी, सही नहीं चल रहा, तो ग्रीन से करें लास्ट पार्ट, ठीक है। तो यह है 3x/2 -5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2। तो पहले देखिए इसको क्या करो, इसको क्या करो, इस तरह के सवाल में जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है, इस सवाल को क्या करो, पहले ही सिंपल कर लो। सिंपल कर मतलब ये जो पहली इक्वेशन लगी इसी को यहीं सॉल्व कर लो पहले। 3 2 6 एलसीएम हो गया, 3 3 9x हो जाएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा, ये इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करा दें, 6 2 12 हो जाएगा। तो 9x - 10y इक्वल टू -12, इसको कहो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन लिखो, इसको हमने यहीं सॉल्व कर लिया पहले। अब सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं भाई, x/3 +y/2 इक्वल टू 13/6 ही है, इसको भी यहीं सॉल्व करो, एलसीएम ले उसका, 6 2x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 13/6। इस वाले 6 को इधर लाओ, मल्टीप्लाई करेगा इधर आगे, इधर डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2x+3y इक्वल टू 13/6 × 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x+3y इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर सेकंड इसे लिखो। अब यहाँ से पिक करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो ये है 9x-4। अच्छा वो तो लिखा ही नहीं सर आपने, हम तो लिख नहीं पाएंगे सर, आप ही लिख के दिखाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो चलो लिख दिया हमने, 9x-10y
इक्वल टू -12, ठीक है, वाई को उधर ले जाओ। ये क्या चक्कर है, कभी वाई कभी एक्स, यही समझ में नहीं आया अभी तक। अरे किसी को भी ले जाओ भाई, इसलिए ले गए वाई को, ये माइनस में है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस का बचा रहेगा तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसको ना एक्स को ले जाते तो ये माइनस होता है ना, नीचे माइनस आता है, ये टेन नीचे जाता है, अपॉन में माइनस आता है, तो इसलिए बस किसी को भी ले जाओ। तो एक्स इक्वल टू -12 +10y अपॉन में 9। ये क्या आ गया, ये आ गई थर्ड। इसका क्या करें सर, इसका क्या करें, इसे रख दो सेकंड में, क्या रहें, क्या सेकंड में रखो, तो क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट डॉट डॉट डॉट, लिखो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कर दो सब डॉट डॉट डॉट, किस में करें, सेकंड में करो, सेकंड कहाँ है, ये है सेकंड, 2x, एक्स सी की जगह पे तो रखना है इसको, ये है सेकंड, देख लो, तो x की जगह रखो इसे -12 +10y अपॉन में 9, और फिर है +3y इक्वल टू 13, है ना, मल्टीप्लाई कराएं इसको, -24 +20y अपॉन 9 +3y अपॉन 1 कर लो इसे, इक्वल टू 13। एलसीएम ले लो यहाँ पे, 9 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा 24 +20y, 9 3 27 है ना इक्वल टू 13, 13 9 को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई कराओ, और 20y और 27y है ये, 9 3 27y, तो ये हो गया -24 +47y, और 9 इधर जाके 13 × 9 हो जाएगा 117। टेबल हमें याद नहीं है सर, हम क्या करें, हम तो लिख लेते हैं 13 9 117, ठीक है, तो इसे यहीं पे अभी सॉल्व कर लो, 24 को उधर ले जाओ, तो 47y इक्वल टू 117 +24, इसे जोड़ दो यहीं पे, 47y इक्वल टू 7 and 4 11 का 1, 1 को कैरी किया, 2 and 1 3 and 1 4, ये आ गया 47 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, है ना, तो यहीं पे कर दें, y इक्वल टू 47 इधर जाएगा, 47 इधर आ गया, डिवाइड करेगा 3 टाइम जा रहा है ये, देख लो करके, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। अब क्या करें, 3 ये y आ गया, y की वैल्यू थर्ड में रख दो, y की वैल्यू थर्ड में रख दो, चलो इधर देख लो, y की वैल्यू किस में रखो, थर्ड में, तो क्या लिखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, किस में करना है, मैं थर्ड में रखना, थर्ड क्या है हमारी, एक्स इक्वल टू -12 +10y की जगह पे 3 अपॉन में 9, तो ये हो जाएगा -12 +30 अपॉन में 9, तो 30 में से 12 गया 18 अपॉन में 9, 9 2 18, तो x इक्वल टू 2 है ना, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहे, ठीक है, बमुश्किल के दिक्कत आ रही थी कि देखें आगे या नहीं देखें, चलो आप लोग बने रहे तो ये बहुत बड़ा मेहरबानी करी आपने, इन सवालों को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अगर ये बिल्कुल ठीक ठाक रहा है तो इसी तरह से हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 और फिर 3 के तो कई सारे पार्ट हैं, तो उसमें जितने हो जाएंगे, लेंथी वीडियो ना हो ज़्यादा, है ना, 30-40 मिनट आसपास रहेगा, जितना भी होगा सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए मन लगा के, थैंक यू वेरी मच।